हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये उसी दिन की वीडियो है जो मैंने कल पार्ट वन डाला है। ये कंटिन्यू है वहाँ से। मैं एक साथ नहीं डाली थी क्योंकि सारे वीडियोस एक साथ डालूँगी तो बहुत लंबे हो जाएंगे। और ये हमारा जो रास्ता है, हम जा रहे हैं शिवनेरी फोर्ट की तरफ। अब आप लोगों को मैं बताऊँगी वहाँ जाने के बाद हमारा बहुत बड़ा पोपट हुआ था। हम तो चले गए वहाँ पर शिवनेरी फोर्ट में, बट वहाँ पर जाने के बाद हमें पता चला था कि हमें पैदल ही जाना है। गाड़ी हमें नीचे ही पार्क करने को लगा दिया था उन्होंने, और चल के जाना था हमें एकदम पहाड़ पे। और वो पहाड़ भी ऐसा था, मतलब स्ट्रेट रास्ता भी नहीं था, एकदम जिगजैग था, और काफ़ी सारे पत्थर भी थे उसमें। और ऑलमोस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर उसका वन वे का रास्ता था। सो वहाँ पहुँचने के बाद हमने डिसाइड किया कि हमसे उतना दूर चला नहीं जाएगा। हम तो एक्चुअली चल भी लेते क्योंकि मम्मी पापा थे, उनको तकलीफ़ होती। तो फिर वहाँ जाने के बाद हमने ऊपर जाने के लिए कैंसिल कर दिया था। सो हम खाली उसका शक्ल देखने गए थे, और फिर वहीं नीचे से ही हम रिटर्न आ गए। सो गाइस, यहाँ पे पापा भी हमारे वही बोल रहे थे कि अपने बस का नहीं है उतना दूर ऊपर जाना। सो हम वहीं से वहीं परी के लिए कुछ सामान लिए खाने के लिए, और हम रिटर्न नीचे की तरफ आ गए। ये कुछ सीन मैंने पहाड़ पर का कैप्चर किया है, आप देख सकते हो। सो इसके भी एकदम ऊपर, वो देखिए वहाँ पे जो सीन था ना, वहाँ पे था वो शिवनेरी फोर्ट। कहा गया है कि ये जो फोर्ट है, यहाँ पे जो अपने शिवाजी है, इनका जन्म हुआ था, और यहीं पे इनका मतलब पूरा बर्थ बोलो, चाहे उनका जो पूरा बचपन है, यहीं पर उनका बीता हुआ था। तो उन्होंने इसको एक टूरिस्ट प्लेस बना दिया। आएंगे फिर पापा बोलेंगे निकलो निकलो, और चढ़ेंगे। अब पता नहीं कहाँ पार्क किए रहेंगे, कितना दूर जाके, और इतना दूर से फिर वो चल के आएंगे। फोन लगा दो लाली सच में, गिर जाएगा। कैसे परी, कैसे खाते हैं? वापस खा के दिखा। सो गाइस, यहाँ पे हम निकल चुके थे शिवनेरी फोर्ट से, और हम जा रहे थे भीमा शंकर की तरफ। और वहाँ जाने के बाद आप लोगों को बता दूँ, फिर से हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। हम निकल तो गए भीमा शंकर के लिए, और वहाँ पे भी उन्होंने वैसे ही किया, गाड़ी हमारा पार करवा दिया 2-3 किलोमीटर पहले, ये देखिए। उसके बाद वहाँ से हमें बस से जाना पड़ा। इतनी भीड़, इतनी गर्दी थी, और हमें ज़रा सा भी आइडिया नहीं था कि वो मंडे था, और मंडे को भीमा शंकर में बहुत ज़्यादा ही भीड़ होती है क्योंकि वो शंकर भगवान का दिन है। ये देखिए बस की हालत। हमें अलाउड ही नहीं किया गया था कि हम अपना प्राइवेट कार लेके जाए आगे। ऑप्शन सिर्फ बस था, और वहाँ पर उन्होंने अपना खुद का प्राइवेट कार खोला हुआ था, उससे जाना है। सिर्फ और सिर्फ कमाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं। बहुत कोशिश किया हमें कि हम जा सके अपने कार से, बट नहीं उन लोग ने जाने दिया। देखिए सबकी कार यहाँ पे पीछे रुकी हुई है,
और वहाँ पे इतनी भीड़ थी, पुलिस से लेकर सिक्योरिटी इतने ज़्यादा थे। फिर फाइनली हम उतर गए बस से और हम भीमा शंकर की तरफ पहुँच चुके थे। और भीमा शंकर में भी कैसा था कि उन्होंने बस तो छोड़ दिया वापस बहुत पीछे ही, और उसके बाद भी हमें 1.5 किलोमीटर चल के जाना पड़ा। वहाँ गए और वहाँ पे भी इतनी लंबी लाइन, मतलब लाइन में भी कम से कम ना 200 से 250 लोग खड़े हुए थे। और फिर वापस वही हुआ हमारे साथ। वहाँ पहुँचने के बाद हम इतने देर लाइन में खड़े नहीं रह सकते क्योंकि हमें काफ़ी रात हो जाता, और जो जिस रास्ते से हम गए थे वो एकदम पहाड़ी रास्ता था जहाँ पे कोई लाइट और कुछ भी नहीं था। तो वहाँ हम वहाँ पे पहुँचे, लाइन में हम काफ़ी आधा एक घंटा तक खड़े भी रहे, बट लाइन की थोड़ी भी मूवमेंट नहीं हो रही थी। फिर फाइनली हम आगे जाके पता किए तो मूर्ख दर्शन करके एक ऑप्शन था, जो साइड से ही आप जाके बाहर से ही दूर से ही भगवान को देख के उनका पैर पड़ के आप जा सकते हो। तो वहाँ पे भी हमें वही करना पड़ा, क्योंकि अगर हम वेट करते पूरे लाइन में खड़े रहकर वेट करते दर्शन करने का तो रात के 8-9 बज जाते, और फिर हम उस पहाड़ पे से हम नीचे उतर नहीं पाते। पहाड़ का ही रास्ता एक प्रॉक्स हमारा 3 घंटे का था। तो हम फिर वैसे गए लाइन में, हमने थोड़ी देर खड़े रहे एंड फिर हम वापस साइड से निकल के मुर्ग दर्शन किए, पैर पड़ के हम फिर निकल गए वहाँ से भी। दोनों जगह का हमारा जो स्पॉट था एकदम मतलब ना धोखा ही हुआ हमारे साथ, वैसा बोल सकते हो, कुछ फ़ायदा नहीं था हमें वहाँ जाके, बट जाने तो ये भी एक एक्सपीरियंस ही था लाइफ का। कहाँ से? हाँ ये अंदर अंदर होगा, फिर बस से जंक्शन में। हाँ हालत देखो सबकी। ये है मंदिर का रास्ता, जंगल में मंदिर। ऐसा मंदिर होता है? परी परी हाय हाय, सस्पेंस है, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। हाँ लेंगे लेंगे, उसको देख लिया, उसको देख लिया। चलेंगे कैसे? हाँ अंदर जाना नहीं है ना, नहीं आता हूँ देता हूँ मैं। अंदर तो जाना नहीं है ना? हाँ अंदर तक, अंदर गाँव भर में जाने देता है दिशु पार्टी एक साथ है। पानी भी नहीं मिलता है ना। अरे हम लोग अंदर नहीं जाने वाले। नहीं तो मुड़ी पछली नहीं है, तो गंगा जल है ना हमारे पास, है ना? हाँ 20 रुपए। अरे अरे नहीं रहने दो, फिर अलग से आ जाते हैं। ना ना तो मुझे मुझे रहे।
भी चल पाएंगे उसको लेके। पापा चल लेंगे। हाँ चलो चलो देखो बंदर है किधर है थोड़े नीचे दिखा ये देखिए बंदर कैसे कुछ तो हाथ में लिया था कुछ चॉकलेट की कुछ तो था वो खुद से फाड़ने की कोशिश कर रहा था और फट नहीं रहा था। कुछ लोग उनके उसके साथ मस्ती भी कर रहे थे कि दे दे हम तुझे फाड़ के देते हैं बट वो सुन ही नहीं रहा था और अपने ही दांत से फाड़ने की कोशिश कर रहा था। अच्छा लग रहा था ये बंदरों को देख के मतलब काफ़ी टैलेंटेड थे ये बंदर। सो गाइस मैं अपना व्लॉग यहाँ पे एंड करती हूँ। आगे और भी बहुत सारे ऐसे पार्ट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग में बने रही है। थैंक यू।